मेरी फट दी किसे तो नहीं मैं करदा वा मुंह ते सिद्धी गल 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 मेरी बण दी किसे ना नहीं ताई उते मैं तो करन नफरत या मेरी बण गई पहचान वा के मैं मतलब ही इंसान वा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नई शाम और नई शुरुआत हमारे व्लॉग की। तो आज हम करने जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा दो जगह मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा हॉल, तो वो सिनेमा हॉल तो वो हम कार में डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सा करना है। वैसे अब तक तो तुम टाइटल थंबनेल देख चुके होगे, डिसाइड हो चुका होगा, बट अभी मेरे दिमाग में नहीं है तो मैं वो कार में डिसाइड करूंगी। बस ये बताना कट लगा दूंगा लगा रहा हूँ। तो गाइस फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या चैलेंज करना है। मैं भी चैलेंज कर रही हूँ जनपथ में जाके अंडर 1000 रुपीज क्लोथ्स कपड़े लाने के लिए 1000 रुपीज में जनपथ में, क्योंकि मैंने पता किया है वो सरोजनी मार्केट जैसी मार्केट नहीं, नहीं है, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है स्टफ और महंगा मिलता है। तो मैंने इसीलिए आज का जो चैलेंज है ना अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं कितने तक करूंगी, लेकिन मैं 1000-2000 ही करूंगी। काजू उससे आगे जस्ट थोड़ी सी सब्जी मंडी है। नहीं मैं अंडर 1000 ही करना चाहती हूँ। मैं खुद को ये चैलेंज देना चाहती हूँ कि मैं अंडर 1000 कुछ तो लेके आऊँ जनपद से, एक ड्रेस या कुछ। देखती हूँ क्या मैं उधर की देख रही हूँ कैमरा, तो यहाँ मैं तुझे देख रही हूँ। तो ये मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और 1000 रुपए के अंदर कपड़े लेके आने हैं मुझे आज। और सरोजनी से बेटर मिल जाए तो अच्छा है, बाकी गाइस जिसने भी जो ये सरोजनी से लाई थी वो शादी ब्याह के कपड़े वो पहनने का भी टाइम नहीं है, फंक्शन में पहनूंगी ना। वहाँ पे सिर्फ लड़कों के कपड़े मिलते हैं आपको बताऊँ तुम्हें, ज्यादातर जनपद आ गए और हर बार की तरह मुझे कुछ मिलेगा नहीं, बट लेट्स सी। तो फर्स्ट स्टार्ट मैंने किया अपना गॉगल से क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे, बस इसीलिए, और तो कोई बात थी। देख लेती हूँ गाइस, और मैं इस बार लेके जाऊंगी जरूर क्योंकि पिछली बार मेरे को इसने दिलवाए नहीं थे, अच्छे नहीं थे क्योंकि वो। तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, काफी डिफरेंट है मेरे और गॉगल्स से। तुझे अच्छा लग रहा है? बढ़िया ये। ओके बस रेड और तो गाइज हमने ले लिए 3 गॉगल्स और मैं घर जाके दिखाऊंगी कितने के लिए और कौन से लिए और पहन के भी दिखाऊंगी। अब हम जाते हैं ड्रेसेस पे। हाँ ठीक है, मतलब बड़ा है ना? हाँ बड़ा है, शरीर के हिसाब से बड़ा है। अच्छा है वैसे वाइट, वो ऑलिव या ब्लैक? ऑलिव। ऑलिव ना? हाँ यूनिक है ना थोड़ा सा कलर, बट वाइट तेरा हर किसी के पास हर किसी के साथ चले जाएगा, पर ऑलिव नहीं जाएगा। हाँ। ये तो उसके हिसाब से देख तुझे क्या लगता है। तो हमने वो वाइट बैग डन कर दिया, सेम घर जाके बताएंगे सब। अच्छा लग रहा है, नॉर्मल है, मतलब ऐसे है। हाँ, बेसिक है। बेसिक है काफी, पर अच्छा लग रहा है। मुझे कोई न्यू बुक चाहिए, मुझे बुक्स देख के ऐसे हो जाता है कि बस सारी उठा ले। जंगल बुक दिलवा दूं? पढ़ी हुई है वो भी। वाओ नाइस। आज कुछ न्यू बुक लेके ही आती हूँ। ये ले ले, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी मुझे पढ़नी थी। और एक ये भी है हिट। गाइस हमने पूरी मार्केट देख ली स्टार्ट टू एंड और कुछ भी नहीं है इस मार्केट में, कुछ भी। सस्ता भी लेने जाओगे तो भी अच्छा नहीं है, और जो चीज मतलब 200 की है वो उसको 1000 तक की बता रहे हैं। बट हम एक राउंड और ले लेते हैं, मे बी कुछ मिल जाए, वरना ये हॉल तो फ्लॉप ही हो जाएगा, है ना। सिर्फ 2 चश्मे लगा के घूमना पड़ेगा हमें और कुछ और बुक्स भी ली है बाकी तो। और अभी देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। गाइज हमने काफी सारा सामान ले लिया है अब, और मेरे पास सिर्फ 50 रुपीज बचे हैं 1000 में से, और मेरी एनर्जी हो गई है सुपर डुपर लो, तो मैं वो 50 रुपीज की रिक्शा करके घर जाना पसंद करूंगी। जूस पीऊंगी। ओए हाँ, मैं कुछ पी रही हूँ 50 रुपीज का, मेरे बस की नहीं और कुछ लेना प्लीज गाइज। पर अच्छा सामान ले लिया। हाँ इस बार मैंने सरोजनी से बेटर सामान लिया। हाँ कह सकते हैं, घर जाके दिखाऊंगी सब विद प्राइस। ओके गाइज हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छे नहीं जारा। और मैं बोलना चाहूंगी लौट के बुद्धू घर को आए। वहाँ जाने के बाद ऐसा अजीब हो गया मन में
मतलब कुछ था ही नहीं। सरोजी नगर फिर भी आप जाना, लेकिन जनपद मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत देगा, मेरा भी। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं जहाँ से हमें मिल जाएगा कुछ। ये हमारे मार्केट में जाओगे तो गर्ल्स का कैसे मिले? गर्ल्स का, अरे गर्ल्स का भी था, एक लाइन गर्ल्स की थी एक बॉयज की थी। अब एक सुन, यही बात है, सरोजनी में भी लड़कों का है, ठीक है, पर वो लड़कों की मार्केट नहीं है। अरे सही कह रहा ना। चलो गाइस एच&M चलते। गाइस जनपद से तो हमें कुछ नहीं मिला था, फ्लॉप हो गया था सब कुछ, तो हमने कर लिया H&M से शॉपिंग। और काफी यहाँ पे सेल भी थी और मुझे काफी अच्छे कपड़े मिल गए, घर जाके दिखाऊंगी तुम्हें। इसने कुछ नहीं, क्या हो गया, कहाँ बना रहा व्लॉग? इसने कुछ नहीं करा, और जो लोग नहीं है यहाँ पे जो लेके बैठे थे उनके भी कपड़े उठा रहे, और कुछ नहीं करा इसने। काजल तब से हेयर कलर कराया, बाल बहुत ड्राई हो गए हैं, तेरे नहीं हुए क्या? बहुत ज्यादा ड्राई और हेयर फॉल भी हो गया था, बट मैंने रिसेंटली ना प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं द आयुर्वेदा को के, और उससे मेरा हेयर फॉल बिल्कुल रुक गया। यार कहाँ है प्रोडक्ट, मुझे भी दिखा। वेट, मैं भी दिखाती हूँ। ये देख, ये अनियन हेयर ऑयल विद ब्लैक सीड एंड बायोटिन, और ये अनियन हेयर शैम्पू विद ब्लैक सीड एंड नाइसिनामाइड। Red Onion combats hair fall and helps repair and strengthen roots and follicles. Black seed keeps scalp nourished and boosts hair growth. Niacinamide nourished follicles and maintains scalp sebum. सबसे पहले मुझे शैम्पू के बेनिफिट्स बता। Plant derived niacinamide adds shine, gloss and softness to the hair, improves the texture and adds volume to the tresses. सबसे main point तो यही कि तेरा hair fall control कर देगा और hair में इतनी volume आ जाएगी और shine और glossy से hair हो जाएंगे। यार अब तूने शैम्पू के तो इतने अच्छे बेनिफिट्स बताए, इस ऑयल का भी बता दे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यार आई हैव बीन यूजिंग दिस ऑयल फॉर 2 weeks नाउ, और मेरे हेयर इतने मतलब टेक्सचर ही चेंज हो गया है इनका, बहुत स्मूथ से हो गया है। दिस हेयर ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ इज अ होली ग्रेल फॉर डल डैमेज्ड हेयर। दिस अनियन हेयर ऑयल हेल्प्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द रूट्स फॉर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हेयर। यार फिर हम द आयुर्वेदा को के ही क्या प्रोडक्ट यूज करें, हम तो कोई भी कर सकते हैं। एक तो मैंने तेरे को इतने बेनिफिट्स बता दिए, प्लस ये पैराबिन फ्री है, SLS फ्री है और हार्मफुल केमिकल फ्री है, और तेरे हेयर ग्रोथ को भी ये फिक्स कर देंगे। और सबसे मेन बात, ये सुटेबल है फॉर ऑल हेयर टाइप्स एंड इट आल्सो मैनेजेस पीएच लेवल और डैंड्रफ भी कंट्रोल कर देता है। यार इतने सारे बेनिफिट्स के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं इनको यूज किए बिना रह पाऊंगी, तो सबसे पहले जा रही हूँ मैं ऑयलिंग करने, उसके बाद मैं करूंगी शैम्पू, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि मेरे हेयर कैसे हो गए हैं। तो काजल ये मेरे हो गए हैं, अब तो बाकी की चीजें बता दे, मैं चलती हूँ, बाय। तो गाइज अगर आपको ये प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो फटाफट जाओ लिंक पर क्लिक करो और इनको ऑर्डर कर लो, और मेरी आगे की वीडियो देखते रहना। तो गाइज हम फाइनली घर आ गए हैं, तो मैं अब दिखाती हूँ तुम्हें कि मैं जनपद से क्या लाई, उसके बाद मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि मैं H&M से क्या लाई। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनपद से। तो मैंने व्हाइट पर्स लिया था, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेके, पता नहीं क्यों मुझे रिग्रेट हो रहा है क्यों ले लिया मैंने, पर ले लिया था। ये था 300 का, अंकल ने बोला था 500 का, पर हमने इसको बार्गेनिंग करके 300 का लगा लिया, तो ये ठीक है। अगर मैं रोज जैसे जाती हूँ मार्केट वगैरह चली जाऊंगी। एक चीज जनपद से 300 की ये, अब मैं और दिखाती हूँ। और मैंने बाकी ये दो गॉगल्स लिए थे, दोनों के दोनों 300 में लगवाए थे मैंने। कितने कितने के बोल रहे थे जगह? 650 का एक बोला हुआ था, और एक दोनों 650-500 ऐसे कुछ करे बोला, एक 650 का एक 500 का बोला था। और हमने दोनों ही 300 में लगवा लिए थे, क्योंकि जेगो एक बार्गेनिंग क्वीन है जो हमारे साथ जाती है। तेरा नहीं मैं, तेरा नहीं मैं लवर। कैसे लग रहा है गाइस, कमेंट करके बताना मेरे दोनों चश्मे कैसे लग रहे हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं। और हम ऐसे भी लगा सकते हैं, पहले ये अगर आपको ये अच्छा ना लगे फिर बस भाई बस। 300 600 हो गया, और दिखा 600 ही तो हो गया क्या? 300 का बैग 300 के दो। अच्छा ऐसे बोल रहा हूँ। मैंने सब वाइट क्यों लिया है, क्योंकि पता है ऐसे वाइट मेरा फेवरेट कलर है। तो नेक्स्ट चीज थी, ये दिखाने लायक नहीं है, शॉर्ट्स है, 50 rupees के लिए थे मैंने, वैसे दिखाने लायक क्यों नहीं है पता नहीं। ये हम रात को सो सकते हैं गाइस, इतने बढ़िया तो शॉर्ट्स हैं, बताना गाइस कैसी लग रही है कमेंट में। और ये सिर्फ 50 rupees की, ये कहता मैंने उसको शॉप में बोला इसको कि 50 rupees की है, ये कहता 50 की मत बोलियो, और मैंने उसको 50 बोला, उसने 50 में ले ली, बल्कि 10 rupees की लाती मैं इसे, कुछ है भी आगे पीछे 70 लगा रखी है खत्म बस। बाकी मैंने आज 3 बुक्स लिए, ये तो अंडर 1000 में काउंट नहीं होंगी, ये तो मैंने, मेरा मन था बहुत टाइम से लेने का तो ले ली। एक है हिप्पी, मैं तुम्हें नाम गाइस लिख के बता दूंगी, ठीक है, इन तीनों बुक्स के। और नेक्स्ट चीज है ये टॉप, अभी 150 का है,
अंकल कहते 350 का लगा लो, ये कर लो, बोला मैंने 150 में ले लिया। नेक्स्ट चीज दिखा दूं, ये तो मेरी नहीं है जी, बस यही सामान था मेरा। हाँ। एक टॉप और भी तो था, वो कहाँ गया? और एक और चीज रह गई थी गाइस, नहीं एक नहीं दो रह गई। तो मैंने ये पर्स लिया, ये है 100 रुपीज का, 100 का मुझे महंगा लग रहा है जबकि 50 रुपए का होना चाहिए था। और एक ये टॉप लिया है, ये टॉप कितने का था? 150 का ही था। ये टॉप भी 150 का ही है। बस मैंने जनपद से इतनी शॉपिंग करी है और जनपद के रेट भाई साहब 1000 रुपए का टॉप, 600 रुपए का ये, 800 रुपए का ये, जबकि हमें H&M में इतने प्राइस में बहुत अच्छी चीजें मिल गई, वो भी दिखा दी। वेट गाइस, पर ये पर्स अच्छा। अब है H&M की बारी, तो मैंने पहले लिए शर्ट है, जैकेट कहते हैं, शर्ट प्लस जैकेट है ये। पढ़ ले क्या लिखा हुआ है, दिखा हुआ मैं भी। हाँ दिखा देना, मैं बता देता हूँ क्या है। एक मिनट ये रहा। हाँ दिखा, उसमें वो लिखा तो शर्ट ही होता है, शर्ट तभी मेरे को अच्छे नहीं पसंद नहीं ये लोकल ब्रांड मुझे पसंद ही नहीं है। तो गाइस मैंने लिए ये ब्लैक शर्ट, डेनिम शर्ट है आई गेस ये, और ये थी इसका रियल प्राइस है 2299, बट मुझे सेल पे मिली 899 की, 900। और जनपद में ऐसे इन टॉपों को कह रहे 900 रुपए का मैम, 900 रुपए का मैम, और ये कंपैरिजन भी नहीं है, लुट गए यहाँ पे हम। एक मैंने स्ट्रेट पैंट्स लिए व्हाइट, दिख गई? हाँ ठीक है। इसका रियल प्राइस था 1999 2000 की थी, और ये मुझे सेल पे मिली 799 800 की, सिर्फ वर्थ है और इनकी। वेरी गुड, 100 रुपए में। H&M में सेल अभी नहीं लगी हुई, नहीं ये जो पुराना स्टॉक है वही वाला ही है जो अभी दिख गया बीच में, जिसको तो उसको मिल गया, जिसको दिख गया उसको मिल गया। काजल की साइड दिख गया से भी बोल रहे हो भैया। तो थर्ड चीज है ये सेल की नहीं थी, ये फ्रेश अराइवल में था, ये ब्लैक जीन्स है और नी कट है, बाकी इसका प्राइस है 1299। वेरी गुड, बस मैंने H&M से तीन ही चीज ली है और तो कुछ नहीं लिया, और पैसे खत्म हो गए। ज्यादा अच्छा H&M ही लगा, सच बता रही हूँ, जनपद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूंगी, जाओ अगर जाना है तो यही सब ले आओ, वहाँ से जाके चश्मे पर्स पुर्स और कुछ कपड़े वपड़े ले तो बिल्कुल भी नहीं, 0 100 में से 0 जनपद के लिए, और H&M तो है ही अच्छा। बाकी मैं हॉल तो करने गई थी सिर्फ जनपद का, फिर हमें मजबूरी में H&M जाना पड़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और आज का दिन सच में बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊंगी आज, तो एडिट भी नहीं करूंगी, सुबह करूंगी। तो तब तक के लिए गुड नाइट।